मेरे को शुगर। चलिए पराठी में झोंका कर लिया। क्या नाम है आपका? गायत्री कुशवाहा। कहाँ से आते हैं? दरिपा से। और यहाँ क्या क्या परेशानी था? मेरे को बीपी है, शुगर है, वो सब का दवाई भी कम खाती हूँ। कमर में हाँ, कमर में पैदल था तो मैं रिक्शा भी नहीं चढ़ पाती थी, बहुत परेशानी, तो बैठती थी तो उठने नहीं चलती। हाँ आंटी को बीपी, शुगर और सूजन, थायराइड और किडनी में स्टोन दिखा जो चले के दाने के बराबर था ना आंटी, तो उन सारी चीजों से क्या परेशानी होता था आंटी? मेरे को कोई बहुत दर्द होता था, ये सब कम हो चुका है। नहीं अभी दर्द नहीं आई, उससे पहले क्या क्या दिक्कत है वो बताना है। और जानते हैं आंटी जैसे आती थी यहाँ, इनको बीपी, शुगर, थायराइड, सूजन और इनके किडनी में जो स्टोन था, तो किडनी में जो स्टोन था उसकी वजह से आंटी आपको ये पेट में बताया था कि दर्द होता था। अब नहीं हो रहा है। हाँ और शरीर में ये पूरा सूजन भी हो गया था, सूजन की वजह से आंटी जो अभी सिंगल दिखाई दे रही है पहले डबल दिखती थी। बस मोटी हो गई थी, पूरा आंख में सूजन, पैर में सूजन, मतलब इनके शरीर में कुछ भी इनको नजर नहीं आ रही, इतना सूजन था शरीर में। और शुगर की पहले कितनी गोली लेते थे आंटी आप? मेरे को शुगर का 3 गोली, बीपी का 1 गोली और उसका शरीर दर्द का भी लेती थी, सूजन का भी लेती थी, थायराइड का भी लेती थी, किडनी में जो स्टोन उसका भी गोली लेती थी। यानी एक दिन में कई गोलियां आंटी साथ में लेती थी। लेकिन आंटी सेरेटिव के बारे में जैसे आपको पता चला उसके बाद आई, तो कितना दिन में आपको आराम मिला? मेरे को 2-3 दिन में आराम लगने लगा, तो मैं दवाई खाना कम कर दी, फिर नहीं अब खाती हूँ ज्यादा। यानी कि आंटी की बीपी की गोली हट गई है, शुगर की 3 गोलियां लेती थी, अब 1 गोली ले रही है, और जो शरीर में सूजन था उसकी भी गोलियां लेती थी, उसका भी गोली नहीं ले रही है, थायराइड भी इनका गोली नहीं ले रही है, शरीर में दर्द हो रहा था उसका भी नहीं ले रही है, किडनी का स्टोन वाला भी ठीक हो गया। सही है ना आंटी? हाँ। अब तब मेरे को बैठते उठते में भी परेशानी था, मेरे को वो नहीं चढ़ पाती थी सीढ़ी को, दरवाजे का, अब चढ़ तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर रूम में चली जाती। अब सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ जाती है? हाँ चल जाऊंगी, आ जाऊंगी, अब पैदल 1-2 राउंड घूम भी लेती हूँ। हाँ तो आपके लिए सेरोजम कैसा है आंटी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आंटी के लिए भी जोर जाता है। ठीक है, साथी लोग के वजह से तो मेरे को बगल वाले लोग बताए कि वहाँ जाने से ठीक रहता है मेरे मोहल्ले के, तो मैं यहाँ ना शुरू की। बगल वाले भी इनकी मदद की और सेंटर में जो हमारे सर सब लोग इनकी मदद की, तो आज इनकी जिंदगी बदल चुकी है। क्योंकि जान ही रहे कि इनको इतनी परेशानी थी पहले जिसकी वजह से ये कई सारी गोलियां लेती थी, अब इनकी गोलियां भी बंद हो रही है। तो सेरोजम अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? सेरोजम के लिए जोरदार तालियां।